आते हैं डॉक्टर डॉक्टर उसको देखने आए थे उसको भी आए थे कल ही देख के गए। हाँ खाती हैं जय देख बिया पन्नी निकलती है इनके पेटों में देखो दिखाएं आपको ताजी बिहानी गायेंगे उनको कोई व्यवस्था नहीं कुछ भी नहीं हो रही है अभी सब दे। कोई ना तुझे ये कोई नहीं सही आती कोई जब दाना भी व्यवस्था यहाँ की नहीं है दाना हो जब जावे तो बताओ। गाय कितनी होंगी इस समय यहाँ पर गौशाला में? लमसम 200 सांड और गाय मिलमा 200 हैं। अच्छा पिछले दिनों में अभी मिलाकर के एक हफ्ता के अंदर कितने गौवंश मर चुके हैं? लमसम 15-20। क्या कारण है क्यों मरे ये? जे सर्दी के कारण। खाने पीने क्या व्यवस्था है? भूसा और सूखो भूसा। तो भूसा और दाने क्या व्यवस्था है खाने की? दाना देते ना आएंगे होन बेर बेर जाएंगे तो बता दे आज पिछले कल पिछले चेकी आप पिसी नहीं पाओ। कौन देता कौन है यहाँ पर तुम्हें? यहाँ पर क्या नाम उसको नगर पालिका से? हाँ नगर पालिका से। तो तुमने तुम लोग कितने आदमी यहाँ पर? 5। देखभाल सब तुम लोग करते हो? हाँ हाँ। संज्ञान में आया था तो उसमें फिर SDM सदर के उसमें जांच करवाई गई थी तो वहाँ पे जब जांच करके देखा गया था तो कुछ ऐसे प्रकरण उसमें आए थे जिसमें ये पता लगा कि कुछ जो गर्भावस्था में रहती हैं गाय वगैरह और दूसरे सांड की वजह से थोड़ी कुछ दिक्कतें हुई थी जिनकी वजह से कुछ पशुओं को जो है उनके साथ दुर्घटना घटित हुई थी और इसके संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी से भी वार्ता हुई थी। तो अब उसमें जो पहले हरे चारे की कमी थी तो उसमें नगर पालिका परिषद को निर्देशित कर दिया गया है कि वहाँ पे हरे चारे की भी व्यवस्था करवा दें और इसके अलावा पीने के पानी की। और दूसरे वहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी कि कुछ कर्मचारी रात में वहाँ पे लाइट की वजह से रुक नहीं रहे थे तो नगर पालिका परिषद को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे यथाशीघ्र सोलर लाइट की व्यवस्था करवा दें ताकि जो है वहाँ पे प्रकाश व्यवस्था उचित रूप से रह सके और जो भी कर्मचारी कागज पे ये है कि काम कर रहे हैं वो वास्तव में वहाँ पर काम कर रहे हैं। कर्मचारियों के टोटा बताया गया कर्मचारी कम है वहाँ पे? कर्मचारी है वहाँ पे उन्होंने लगाए हैं लेकिन उनका पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता है कि कुछ कर्मचारी मौके पे रहते नहीं है जिनकी वजह से फिर वो दिक्कतें हो जाती हैं तो अब जो भी पर्यवेक्षण है उसको सुचारू रूप से करवाया जाएगा। 3 दिन पहले ये प्रकरण संज्ञान में आया था और मौके पे उच्च अधिकारी को भेजा गया।